नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन करेंगे पार्ट 21, ब्रिटिश कालीन भारत शासन व्यवस्था, भारतीय शासन व्यवस्था का पार्ट टू। कल पार्ट फर्स्ट किया था, तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है आप देखना दोस्तों कितने सही कर पाते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आप वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। कोई ऐड आए तो दोस्तों प्लीज़ स्किप मत करना, आप ऐड को पूरा ज़रूर देखना। 2-3 सेकंड की एड होती है दोस्तों, उस एड को ही आप स्किप कर देते हो, आप स्किप मत क्या करें, उसको जरूर देखें। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, भारतीय शिक्षा का मेघना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मेघना कार्टा किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जल्दी से बता दीजिए क्या होगा, फिर मैं बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पेज को दोस्तों भारतीय शिक्षा का मेघना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट है, 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के व्यापक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था का प्रावधान के लिए किसने योजना पेश की? 6 से 11 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए व्यापक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था के प्रावधान के लिए किसने योजना पेश की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शिक्षा सलाहकार सर जॉन सर्जेंट ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, चार्ल्स वुड डिस्पेज के अंतर्गत उच्च शिक्षा का माध्यम क्या था? चार्ल्स वुड डिस्पेज के अंतर्गत उच्च शिक्षा का माध्यम क्या रखा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी रखा गया था। क्या रखा गया? अंग्रेजी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस एक्ट के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को अधिक अधिकार मिला था कि वह किसी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से ब्रांड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले कि वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी हो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी बॉन्ड पेपर पर साइन करवा ले। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, किस एक्ट के बारे में कहा गया कि यह इतना अधिक खतरनाक एक्ट था कि इसने देसी भाषा के समाचार पत्रों की स्वाधीनता पर रोक लगा दी? किस एक्ट के बारे में कहा गया कि यह इतना अधिक खतरनाक था कि इसने देसी भाषा के समाचार पत्रों पर स्वाधीनता की रोक लगा दी? तो 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। नेक्स्ट है दोस्तों, इल्बर्ट बिल संबंधी विवाद किसके काल में प्रस्तुत हुए? इल्बर्ट बिल संबंधी विवाद किसके काल में प्रस्तुत हुए? तो दोस्तों लॉर्ड रिपन के काल में। किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में। नेक्स्ट है, आज़ादी के पूर्व और राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? आज़ादी के पूर्व और राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो दोस्तों अजमेर था, और 19 देसी रियासतें केंद्र शासित प्रदेश अजमेर। नेक्स्ट है दोस्तों, इन देसी रियासतों का शासन किसकी निगरानी में चलता था? इन देसी रियासतों का शासन किसकी निगरानी में चलता था? तो दोस्तों अंग्रेज रेजिडेंट की निगरानी में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, 1839 में जयपुर की राजमाता को किस पद से हटाया गया? 1839 में जयपुर की राजमाता को किस पद से हटाया गया? तो अभिभावक के पद से हटाया गया। नेक्स्ट है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, किस ब्रिटिश एजेंट ने न्याय विभाग को शासन विभाग से अलग कर दिया? किस ब्रिटिश एजेंट ने न्याय विभाग को शासन विभाग से अलग कर दिया? तो ब्रिटिश एजेंट थर्सबी ने कर दिया। नेक्स्ट है दोस्तों, किस राज्य में फौजदारी व दीवानी अदालतों की स्थापना की गई? किस राज्य में फौजदारी व दीवानी अदालतों की स्थापना की गई? तो जयपुर। देखिए दोस्तों, जयपुर राज्य में यह व्यवस्था 1852 तक चली। नेक्स्ट है, राज्य का सर्वोच्च न्यायालय की संज्ञा किसे दी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महकमा खास। राज्य का सर्वोच्च न्यायालय की संज्ञा किसे दी गई? तो महकमा खास। नेक्स्ट है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार द्वारा पॉलिटिकल एजेंट की अध्यक्षता में अभिभावक परिषद का गठन क्यों किया गया? ब्रिटिश सरकार द्वारा पॉलिटिकल एजेंट की अध्यक्षता में अभिभावक परिषद का गठन क्यों किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नाबालिग कुमार के राजा बनने पर। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, अभिभावक परिषद का गठन उदयपुर में कब किया गया? अभिभावक परिषद का गठन उदयपुर में कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1861। नेक्स्ट है दोस्तों, 15 नंबर, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के आधार पर
न्याय व्यवस्था किस रियासत में लागू की गई? शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के आधार पर न्याय व्यवस्था किस रियासत में लागू की गई? तो दोस्तों बीकानेर रियासत में लागू की गई शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के आधार पर न्याय व्यवस्था बीकानेर रियासत। नेक्स्ट दोस्तों 1922 में उच्च न्यायालय के अनुरूप मुख्य न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया? 1922 में उच्च न्यायालय के अनुरूप मुख्य न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर दोस्तों जल्दी से बताइए क्या होगा, फिर मैं आपको बता देता हूँ। 1922 में उच्च न्यायालय के अनुरूप मुख्य न्यायालय की स्थापना स्थापित कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बीकानेर रियासत। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान की किस राजस्थान की सभी रियासतों में ब्रिटिश न्याय व्यवस्था के जैसे न्याय व्यवस्था कब लागू की गई? राजस्थान की सभी रियासतों में ब्रिटिश न्याय व्यवस्था के जैसे न्याय व्यवस्था कब लागू की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1930 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर 18 नंबर, राजस्थान में अंग्रेजी व्यवस्था का आरंभ किस क्षेत्र में हुआ? राजस्थान में अंग्रेजी व्यवस्था का आरंभ किस क्षेत्र में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अजमेर से। नेक्स्ट है अजमेर में राजकुमारों को शिक्षित करने के लिए किस कॉलेज की स्थापना की गई? अजमेर में राजकुमारों को शिक्षित करने के लिए किस कॉलेज की स्थापना की गई? तो दोस्तों मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसा लगा वीडियो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। कल मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेसन 22 के साथ।